वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत 17 लोग कांग्रेस में आज शामिल हुए। इस मौके पर ताराचंद ने कहा कि जज्बात में आकर मित्रता निभाने गुलाम नबी आजाद के साथ चले गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की तैयारी है और गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में वापस आने के बयान पर उन्होंने कहा कि उनको खुद विचार करना चाहिए क्या सही है क्या गलत। सुनिए और क्या कुछ कहना था उनका। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी ये मान लिया कि आप छुट्टी पर गए थे और छुट्टी के बाद पार्टी में वापस आए हैं, मित्रता निभाने गए थे। मित्रता भी तो थी क्योंकि 40 साल हमने इकट्ठे काम किया और मैं सुनता हूँ कि मित्रता में ही जो जज्बात में आके हमने फैसला लिया वो हमारी एक भूल थी, एक गलती थी। कांग्रेस में आप वापस आए हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी 30 तारीख को जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम अब सारे साथी वापस जम्मू कश्मीर जाके कोशिश करेंगे कि यात्रा अच्छी से अच्छी रहे। हिंदुस्तान में बहुत अच्छी यात्रा रही है लेकिन उससे भी अच्छी यात्रा जम्मू कश्मीर में रहे उसकी तैयारी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से तमाम सेकुलर पार्टीज लाइक माइंडेड पार्टीज को भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी को भी कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहिए? मेरा ख्याल आपने सुना होगा श्री वेणु गोपाल जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए जो लाइक माइंडेड है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनता टीवी, दिल्ली।